जिंदगी का दोराहा है क्योंकि साइन इधर भी है और इधर भी है भाई। जो दो रास्तों में चूज कर रहे थे ये भी खत्म होने को आ गया, पर पता नहीं कौन सी ट्रेल पकड़ी है इस बार हमने। उन्होंने सिर्फ मैप बनाया है, वो रास्ते बनाना भूल गए भाई। ये वाला जो मैप है ना ये मैप नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना किया था कि एक साइड मत जाना, तो हमें ये नक्शा फॉलो करना था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं इधर से। चलो अशरफ अली, हेलो माय नेबर्स, फक यू, या फक यू टू। किसके पास है भाई? पहले नक्शे वाले इंसान ये थे जो गलत राह पे ले गए थे हमें, अब ये दूसरे वाले ड्यूटी सेंटर में लेके जा रहे हैं। अब ये दूसरे वाले भाई हैं, नक्शा देख के कह रहे हैं डू नॉट एंटर में जाना है। कहाँ लिखा था? कहीं तो लिखा था डू नॉट एंटर, देखो वो लिखा सर, वहाँ ले जा रहे थे, अभी वापस आए। दोबारा बोलो, जिंदगी का दोराहा है क्योंकि साइन इधर भी है और इधर भी है। मैं थूक रहा था, दोबारा बना। नहीं कोई बात नहीं, एक आदमी थूक रहा है दोराहे पे, तो ये वाला रास्ता खराब हो गया, हमें इधर चलना चाहिए। चलो रुक जा थोड़े दिन, पता नहीं भाई कौन से रास्ते जा रहे हैं, पर चलते जा रहे हैं। सिम्बा भाई बरो के लिए भाई, जो दो रास्तों में चूज कर रहे थे ये भी खत्म होने को आ गया, पर पता नहीं कौन सी ट्रेल पकड़ी है इस बार हमने। ब्लू कलर की पकड़ी थी मैप में देख के, तो पर हमारे जो मैप वाले इंसान है इन्होंने एक सॉल्यूशन बताया उस चीज़ का। सर बताइए दोबारा। आई डोंट केयर, ये भी कह रहे थे कि हमें जो मैप लगी हुई है अभी, ये कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमें मैप दिया है कि इसके हिसाब से आप चलो, उन्होंने सिर्फ मैप बनाया है, वो रास्ते बनाना भूल गए। तो भाई उस मैप के हिसाब से हम कहीं भी जा रहे हैं, हम घूम फिर के एक ही जगह पहुंच रहे हैं। आई डोंट केयर, तो वो समझ गए हैं कि इंसान यहाँ पे 2-3 घंटे घूमेगा और बार बार इधर के परेशान होकर गाड़ी लेके घर ही चला जाएगा, गाड़ी से आया तो। अब कोई नया बोर्ड दिखाए अभी सर, वो मुड़ जाएंगे। चलो चलो भाई इधर चलो, चलो भाई ये क्या हो रहा है भाई? ये वाला जो मैप है ना ये मैप नहीं है, ठीक है। अब ना चलते रहो, कहीं भी चलना है। चलो भाई हाँ आपके पीछे चलो, ये मत डालियो। क्यों? सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा ना वो भी हटा देंगे। ये मैप देख रहे हो? मैप नहीं है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई डोंट केयर, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते आई डोंट केयर भाई मत करना, अनसब्सक्राइब नहीं। Hello my neighbors. Fuck you. Yeah, fuck you too. What the fuck? I don't care. मजा आता है। वो लाइन दोबारा बोलो। शेरवाली हो। अरे वो लाइन दो फिर से। हमें ये नदी पार करनी है। कौन से दोस्तों? हमें नदी पार करनी है और दोस्त को बचाना है जाके। आराम से आना है। हाउ द जोश? अब मेरी बनाइयो, पूरी बनाइयो। दोनों की फायदा। तो अभी हम इस वाली ट्रेल पे हैं, यहाँ से हम शॉर्टकट लेके ऑरेंज वैली पे जा रहे हैं, डीप वुड्स पे। कौन उठा? यहाँ से कोई रास्ता वास्ता भी नहीं है, पर इस पे जाएंगे हम, क्योंकि और पर्पल कहाँ था? अच्छा पर्पल हमने यहाँ से देखा है। चलो ये लड़ाई करने, चाय किसने बनाई थी? भाई डीप वुड्स वाला रास्ता तो सच में डीप वुड वाला निकला। और बॉयज यो मैन, भाई देखो ये पूरा नक्शा देख रहे हो, हम इसको देख के चल रहे हैं इधर से। फिर हमें पता चला कि उन्होंने मना किया था कि एक साइड मत जाना, तो हमें ये नक्शा फॉलो करना था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं इधर से। हम अभी यहाँ पर हैं और अभी हम यहाँ पे, और उन्होंने मना किया था कि इसमें मत जाना। अभी तो स्टीप डीप पे जाने की बातें हो रही हैं भाई, इसको घुमा के देखना शुरू करो यार। तभी मैं कहूँ यार लोग क्यों नहीं दिख रहे आसपास? नाम लिखो आर बनाइए, ये सब मत डाल दियो। पापा कहीं घर आ जा बेटे।
मुझे लगा था राहुल बहुत अच्छा आदमी। मैं तो करता राहुल ध्यान रखेगा, ध्यान रख रहा हूँ, मौज मस्ती का भी। भाई आवाज गूंज रही है भाई अच्छी वाली। कुत्ता लोमड़ी जो देखा येलो से दिख जाएगा। अरे क्यों वीडियो खराब कर रहे हो सारे। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कैनेडियन केरला छोड़ो। ओ भाई मेरे को बाहर नहीं जाना, चलो अशरफ अली। बस इतना ही रहने, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे मेरे को एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जाओ भाई, देख रहे हो पहाड़ के एकदम टॉप पे, और हम लेके आए एक बहुत बेस्ट चीज खाने के लिए। खोलो 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 खोलो। मैं इधर रख रहा हूँ, क्या कहते हैं भाई, आलू प्याज के पराठे, गोभी के भी है भाई इसमें, ठंडे थोड़े देर ठंडे के, यही तो मजा है। ये लो कोई एक रोल बनाओ, लाओ दे दे इसे भाई, पराठा इस हेयर बर्फ गिर रही है, पराठा साथ में पराठा खाएगा। नहीं नहीं भाई खाओ भाई, इन पराठों के साथ बस चाय और मिल जाती ना कुल्हड़ वाली, एकदम जन्नत सा लग जाता। ठंडे भाई ठंडे भी मस्त लग रहे हैं आज तो, मजा आ गया भाई खा के। बात करूँगा भाई, कभी ऐसी ठंडी जगह पर जाके ना पराठे खा के देखना, मतलब गरम मैगी तो बहुत लोग खाते हैं मेरे को पता है, कभी ठंडे पराठे भी खा के देखना, अलग मजा है। सच बता रहा हूँ, अभी मतलब एक एक पराठा खाया, बहुत बड़े होते हैं यहाँ के पराठे, जो जहाँ से कर लेके आए थे, नींद आ रही है बहुत। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ पहले आपको, अभी हम इस रास्ते से आए हैं और इस रास्ते पे डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है, और यहाँ भी लगा हुआ है डू नॉट एंटर का, तो एक ही जगह बची है। फिर ये लोग मैप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, आप लोगों को पता चल रहा है, फ्लरीज पड़ रही है, देखो दिख रही है ना जैकेट पे। अब कहाँ जा रहे हैं हम, डू नॉट एंटर में, हम डू नॉट एंटर की तरफ जा रहे हैं। चलो भाई ये देखो, ये लग रहा है हमारा बोर्ड डू नॉट एंटर का, और ये लोग मतलब कोई अहमियत ही नहीं है इस बोर्ड की। और भाई हमने जो गलत नक्शे पे चल रहे थे, हमने उसे सही नहीं किया है, हम गलत पे ही चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि हमें फिर लोग दिखने लगे हैं आसपास, तो हमने कहा क्या कहाँ चेंज करते फिरेंगे, टाइम लगेगा, तो हम उसी नक्शे को कंटिन्यू किया है हमने और यहाँ पे आ गए हैं। मैप को यहाँ से नहीं है, यहाँ से कोई गुलाम मंडी मार सकता है, नहीं चलेंगे यहीं से, फिसल जाएंगे गुलाम मंडी। तो भाई वापस जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, ये एरिया बहुत स्लिपरी है, तो ये लोग ऐसे चलते हैं, मैं चल के दिखाता हूँ। ऐसे मत रख पैर, मैंने कील वाले वो पहन रखे नीचे भाई, मैंने पहन रखे। हाँ इन लोगों ने जूते में ग्रिप लगा रखी, दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, तुम्हारे भाई ने लगा रखी, देख रहा हूँ कोई कील पील नहीं है। ओए भाई मैं आऊँ तो मेरे को रोक लोगे ना ऐसे, नहीं पहले हमें नीचे जाने दो, मैं भी यही चल रहा हूँ धीरे। क्या हो गया रिचे भैया, अरे मैं यहाँ से भागता हुआ आया हूँ प्रेम भाई। अरे अरे घूम गए प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई कहाँ भाग रहे हो। तो भाई वापस 500 मीटर था, अब 100 ही बचा, 100 कम हो गया होगा, 400 बचा होगा, चलते हैं क्योंकि रात होने लगी है और धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा है तो इससे पहले निकल लें, टोपी वोपी तो है हम पे सब, पर फिर भी चलो। प्रेम भाई, प्रेम भाई है।
भाई ऐसे बर्फ के साथ खेलने में मजा तो बहुत ज्यादा आता है, और उसके बाद जो हाथ खराब होते हैं ना, मतलब ऐसे मेरे को बंद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी स्नोफॉल थोड़ा ज्यादा तेज हो गई है, स्पीड से होना शुरू हो गई है, तो जल्दी से ढूंढ रहे हैं कहाँ पे थी हमने गाड़ी पार्क, और वहीं पे जा रहे हैं। गाड़ी भाई हमारी जूते वूते चेंज करना शुरू, बैग में डिगे जूते तो यहीं रख लो ना, गीले होंगे ना, डिक्की में रख लो, डिक्की में वो नहीं है क्या कवर सा। गाइस सैनिक केव को बाय बोल दीजिए, बाय 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 बाय। तो भाई आज का जो ट्रिप था उसकी छोटी समरी दे देता हूँ। वो हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर था, 200 नहीं 170 के आसपास था, पर हमें पहुँचने में 2 घंटे लगे क्योंकि हाईवेज खाली रहते हैं, तो आसानी से पहुँच गए थे। और जो जगह थी उसका नाम था सैनिक केव्स, सही था, मतलब $26 की हमने टिकट कटी थी, कहीं भी जा सकते थे, बहुत सारी ट्रेल्स थी जैसे आपको पता चला कि 2 मैप्स थे, किसी भी जा सकते थे, मतलब वो एक ही जगह के अंदर था पर वो अलग अलग डायरेक्शंस थी उनकी, पर हम दूसरे मैप पे चले गए थे फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। डू नॉट एंटर के बोर्ड थे पर फिर भी आपको पता ही है कि हम लोग गए, तो जगह अच्छी थी, किसी को विजिट करना हो तो सर्दियों के लिए अच्छी जगह है। पर भैया कह रहे थे कि अगर किसी को विजिट करना हो तो सर्दियों में अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर समर्स में भी लोग जाते हैं, तो ऐसी कोई ये नहीं है कि विंटर्स में जा सकते हो या समर्स में, तो दोनों जगह के लिए अच्छी प्लेस है वो घूमने के लिए। तो वहाँ पे लिखा भी था कि समर्स के लिए कुछ सीन वीन, पर मैंने वो पढ़ा नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी भाई ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया हो या हम चारों भाइयों की कुछ भी बात, कोई भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो।